हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सर हेयर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, आप जैसे कि अपनी बुक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें आपको एक ग्राफ गिवन होगा और वो ग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखना है, पॉइंट के बारे में लिखना। तो आप उस ग्राफ को साथ में रखिए, अपनी बुक को खोल के रखिए। और अब आप यहाँ पे जैसे कि इसका ग्राफ मैंने पहले से अपने ग्राफ पेपर में बना लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यही ग्राफ आपकी बुक में भी दे रखा हुआ है, बिल्कुल सेम। अब आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पूछा गया है, तो आप अपने ग्राफ पे जाइए, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा बी, पॉइंट बी। अब आपसे इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेट्स आप सिंपली ऐसे देख सकते हैं, एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट, दोनों को मिला के लिख देंगे, हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कैसे लिखेंगे आप यहाँ देखिए, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। आप पहले ये देखिए एक्स एक्सिस पे कितना चला, एक्स एक्सिस पे 5 से स्टार्ट हुआ है, देखिए ये 5 से स्टार्ट हुआ है, -5 से, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट आपका हो जाएगा -5 यहाँ से, क्योंकि ये वाले पॉइंट को एक्स एक्सिस कहते हैं, फिर कॉमा। आप y एक्सिस पे चलेंगे तो y एक्सिस पे देखिए ये 2 से स्टार्ट हुआ है, देखिए इसकी लाइन 2 से ज्वाइन हो रही है, तो ये हो जाएगा 2, -5, 2। तो यही पॉइंट्स आपको अपने यहाँ कॉपी में या फिर अपनी नोटबुक में मेंशन कर दीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5, 2। ये आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब हमारा सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब आप अपने ग्राफ में वापस से जाइए, तो आपको ग्राफ के राइट साइड में, लोअर राइट साइड में आपको दिखेगा पॉइंट c। अब आपसे इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से देखेंगे तो ये 5 ऐसे ये चल रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका ये 5 तो ये हो गया इसके एक्स एक्सिस पर, और यहाँ -5 मतलब वाई एक्सिस पर ये -5 तक ये चला, तो ये कॉमा लगा के -5। तो ये आप इसके क्या लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, -5, ये आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारा पूछा गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 3, -5। आपको अपनी ग्राफ में, जो आपका क्वेश्चन में ग्राफ है उसमें आप देखें, जैसे कि मैंने ग्राफ ले लिया, अब आपसे पूछा गया 3, -5। तो सबसे पहले आप -3 देखेंगे, -3 आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव में -3। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से चल रहा है यहाँ तक आया, और y एक्सिस पे कितना है -5 ये रहा। तो आप अपने ये ग्राफ में ही देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मिला, और ये पॉइंट आपकी बुक में आपके क्वेश्चन में ही e दे रखा होगा, देख सकते हैं आप अपनी बुक अभी आपके पास हो तो उसमें e दे रखा होगा। तो बस -3, -5 में आपको कौन सा पॉइंट मिला, आपको मिला e। इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करके बताएंगे। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट में बढ़ते हैं। आपका फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। आपसे बोला गया है 2, -4। वापस से आप अपने क्वेश्चन के ग्राफ पे जाइए, आपसे बोला गया पहले एक्स एक्सिस पे 2 बोला गया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 बोला गया है, तो 2 एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 2 ये रहा, यहाँ से चले, और फिर हमसे क्या बोला गया -4 आपका वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन पे, 2, -4 ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये देखिए यहाँ मैच हो रहा है। ये आपके क्वेश्चन में भी ना पूरा अच्छे से मैच करके लाइंस को ज्वाइन करके दिखाया गया है, तो आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिला, जी पॉइंट मिला, तो अब आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आके लिख दीजिए आपको कौन सा पॉइंट मिला है, आपको मिला है जी, ठीक है। अब हम लोग इसके बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में पूछा गया द एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। यहाँ पे आप पहले इस वर्ड का मतलब समझिए, एप्सिसा, ये जो वर्ड्स है जैसे एप्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, ये सब मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था, पहले आप उस इंट्रोडक्शन को भी जरूर देख लीजिएगा, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि एप्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये सब होते क्या हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, एप्सिसा का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट आता है, जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, ये इस साइड को, ये वाले पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ये सारे जो इधर आपके कॉमा के लेफ्ट साइड में हम लोग जो लिखते हैं, तो ये हमारे एप्सिसा कहलाते हैं। तो हमसे वही पूछा गया था एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब आपने ग्राफ में जाइए, ग्राफ में आपको पॉइंट डी यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ थोड़ा सा राइट साइड में आपको नजर आएगा, इसमें आपसे पूछा गया एप्सिसा।
आप वैसे तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एक्स एक्सिस होगी, और एक्स एक्सिस का ही मतलब होता है एप्सिसा, तो एप्सिसा मतलब ये सिक्स पे जाके मिल रहा है, देखिए यहाँ सिक्स पे टच हो रहा है यहाँ पे, तो इसका एप्सिसा क्या हो गया, सिक्स हो गया। वो ग्राफ आपको वैसे पहले से गिवन में है क्वेश्चन में, तो उस ग्राफ से आप हेल्प लेके बस ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना और कुछ नहीं है इसमें। सिक्स पार्ट है आपका द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। यहाँ पर सबसे पहले आप ऑर्डिनेट का मतलब समझिए, ऑर्डिनेट का मतलब होता है, हम लोगों ने अभी बात की थी प्रीवियस पार्ट में एप्सिसा, एप्सिसा मतलब जो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं कॉमा के, जो राइट साइड वाला पार्ट होता है जैसे यहाँ पे टू है यहाँ पे माइनस फाइव है, तो इन सब नंबर्स को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हमसे ऑर्डिनेट पूछा गया पॉइंट एच का, तो जैसे कि आपने वापस से ग्राफ पे जाइए और यहाँ पे आप एच को ढूंढिए, तो आपको एच मिल जाएगा यहाँ लेफ्ट साइड में, तो एच मतलब ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि ये वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, इससे जो पॉइंट इसमें टच कर रहा है वो उसका ऑर्डिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस थ्री टच कर रहा है, आप ध्यान से देखिए अपने क्वेश्चन में अपनी बुक में देखिए तो आपको पता चलेगा कि माइनस थ्री यहाँ टच कर रहा है, तो ये माइनस थ्री इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा। या फिर सिंपली अगर आपको और इससे और थोड़ा मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूँ तो आप डायरेक्ट इसके पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस पे माइनस फाइव पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे माइनस थ्री पे टच कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या बोला था कॉमा के राइट साइड वाला नंबर, तो ये माइनस थ्री है, तो बस ये माइनस थ्री इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा और ईजी कर दिया आपके लिए, तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस थ्री। अब हमारा सेवन्थ पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब आप वापस अपने ग्राफ पे जाइए और यहाँ पे आप एल को फाइंड करिए, तो एल आपको यहाँ टॉप पे मिलेगा। अब इसमें यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि कौन से एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखिए आप ये आपकी वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे बिल्कुल कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, एक्स पे तो टच नहीं कर रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो, और वाई पे टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, फाइव पे टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट इसका फाइव, तो जीरो कॉमा फाइव आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं, ये जीरो कॉमा फाइव। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब आप वापस से अपने इसमें ग्राफ पे आइए, तो आप इसमें देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, पहले एम पॉइंट को फाइंड करिए तो वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि ये जो डॉट है ये किस में लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई पे तो टच हो ही नहीं रहा है, देखिए यहाँ से भी कहीं ये टच नहीं हो रहा है, यहाँ से भी कहीं यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये आपका एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है माइनस थ्री पर, लेकिन ये वाई पे टच नहीं कर रहा, तो वाई क्या हो जाएगा इसका जीरो। ठीक है, ये यहाँ पे शायद आपको क्लियरली ना थोड़ा दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है पूरा, तो आप अपने क्वेश्चन में ही देखिए उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि एम ना वाई एक्सिस पर किसी पर टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर कि एम एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस थ्री कॉमा जीरो। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इस तरह से क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ये वर्ड्स कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, एप्सिसा, ये सब थोड़ा सुनने में आपको लग रहा होगा कि नहीं सुने हैं, तो आप मैं इसके लिए आपको यही बताऊँगा कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप अच्छे से पढ़िए, उसके लिए मैंने अलग लेक्चर इसके लिए बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार पढ़िए, आपको ये क्वेश्चंस आसानी से क्लियर होंगे उसके बाद। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।